फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम तंदूरी मोमोज बना रहे हैं तवे पर। मोमोज की रेसिपी हमने पिछली वीडियो में शेयर की थी, आज हम उसको तंदूरी मोमोज की वीडियो शेयर कर रहे हैं। आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। गाढ़ा दही 2 से 3 टेबलस्पून, 1 टीस्पून बेसन, कसूरी मेथी, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, काली मिर्च 1/4 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट स्वाद के अनुसार, वेजिटेबल ऑयल और मोमोज को हमने फ्राई कर लिया है डीप फ्राई 1 मिनट के लिए। अब हम इसमें बाउल में बेसन ऐड करेंगे, सभी मसाले ऐड करेंगे, थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा बैटर मिक्स हो गया है। अब हम इसमें मोमोज ऐड करेंगे। हमने यहाँ गाढ़ा दही लिया है और इसमें थोड़ा चाट मसाला भी ऐड किया है। आप इसमें 1 by 1 अच्छे से करेंगे, फुट करेंगे, नहीं तो ये टूट जाएंगे। सभी मोमोज को हम इसमें डालेंगे और इसके ऊपर फोल्ड करेंगे हल्के हल्के हाथों से। इसे तवे पे तंदूरी होने के लिए रख दिया है, इसे पलटेंगे 1 by 1 हल्के हाथों से, ताकि ये टूटे नहीं। चाहे तो इसमें थोड़ा ऑयल डाल सकते हैं, हमने यहाँ नॉन स्टिक पैन लिया है। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है इसमें, कितना अच्छा कलर आ रहा है। ये सभी इसी तरह पक जाएंगे, इसे हम हल्का हल्का दोनों तरफ से पकाएंगे। मोमोज दोनों तरफ से सिक गए हैं, अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफर करते हैं। हमारे तंदूरी मोमोज बनकर रेडी हैं, आप इसे घर पर जरूर ट्राई करें। धन्यवाद।